रामगढ़ दुर्ग मंदिर मुद्दे पर सियासत गर्म है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कमिश्नरेट पर कूच किया है। आरोप के दौर चल रहे थे लेकिन अब खुलकर मैदान में आ गए हैं दोनों ही पार्टियों के नेता। एक तरफ रामकेश मीणा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सामने हैं और एक बड़ी रैली को लेकर आए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। डॉक्टर साहब, आज इतनी लंबी चौड़ी भीड़ आप लेकर जा रहे हैं, क्या है? आपको आमागढ़ जाना था। जिसने आमागढ़ का शिव मंदिर तोड़ा उनको सबको गिरफ्तार नहीं किया, जिस सरकार ने आमागढ़ के शिव मंदिर पर ताला लगा दिया, सावन के महीने में महादेव की पूजा बंद कर दी, उसका विरोध प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। जिस आमागढ़ पर मीणा समाज का झंडा लगा था उसको हटा दिया, उसको लगाने के लिए जा रहे हैं। और जिस खोगंग में हमारी ऐतिहासिक धरोहरों पर कब्जा कर लिया उनके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। और जिस रामकेश विधायक ने मीणा समाज और हिंदू समाज को लड़ाने की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रामकेश मीणा जो है वो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है अभी थोड़ी देर पहले। उनके ज्ञापन में कोई मतलब नहीं है। इसे हिंदुओं से जोड़कर देख रहे हैं, हिंदू और आदिवासियों को कुछ लोग कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। इस सत्य को जो नकारेगा वो मिटेगा इस धरती से। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है उन्होंने ये सब बात कही है। आरक्षण को लेकर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर। आरक्षण हमने मांग की है, हमको आरक्षण दिया हुआ है मीणों को, देश के आदिवासी को। हिंदू मैरिज एक्ट में हमको प्रावधान किया गया है शादी करने का, लेकिन जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करेगा तो हमारी सरकार से मांगे कि उसका आरक्षण खत्म किया जाए। हिंदू धर्म को छोड़कर यदि दूसरे धर्म की कोई बात करता है या मांग करता है एसटी में आरक्षण की तो उसका आरक्षण समाप्त हो, ये मांग की गई है।